हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज हम बात करेंगे फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फिल्म हमेशा पॉपुलर होती है टीजर या ट्रेलर आने के बाद, लेकिन दोस्तों फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने सिर्फ अपने पोस्टर से तहलका मचा के रख दिया है। दोस्तों, ये फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके पोस्टर सभी रिलीज कर दिए गए हैं और फिल्म के चार मुख्य किरदार का लुक सामने आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने पोस्टर देखे हैं तो आपको पता होगा इनके लुक के बारे में, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप पोस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अमिताभ बच्चन की बात करेंगे। अमिताभ बच्चन इस का जो लुक है फिल्म में वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उसमें अमिताभ हमें जीराब अख्तर और हाथ में तलवार लिए एक योद्धा की भांति दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म में उनका किरदार काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। उनकी बढ़ाई हुई दाढ़ी और उनका शानदार लुक उनको काफ़ी ज़्यादा डेंजर खतरनाक नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी। दोस्तों, बात करें आमिर खान की तो आमिर खान इसमें एक फिरंगी का किरदार निभाएंगे। दोस्तों, घोड़े पर सवार आमिर खान चश्मा लगाए साथ ही टोपी पहने काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। दोस्तों, बात करें आमिर खान इसमें लीड रोल में नजर आएंगे और अमिताभ बच्चन का भी काफ़ी अच्छा रोल होने की पूरी पूरी संभावना है। बात करें कैटरीना कैफ की तो कैटरीना कैफ भी एक डांसर का शायद तक रोल प्ले करेगी इस फिल्म के अंदर। उनका लुक भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं और एक डांसर की उनके लुक को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक डांसर का रोल निभाएगी। दोस्तों, बात करें फातिमा सना शेख की तो वह एक योद्धा की भांति दिखाई गई है। उनके हाथ में तीर और कमान है जिससे साबित होता है कि वह एक योद्धा है। दोस्तों, इस फिल्म के पोस्टर काफ़ी शानदार तरीके से रिलीज किए गए। ये पोस्टर्स काफ़ी शानदार है और इनसे फिल्म को देखने की रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए अभी से कि यह फिल्म पहले दिन ही 50 करोड़ का व्यापार कर लेगी और बाद में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म कितने का कारोबार करेगी और फर्स्ट डे कलेक्शन इसका कितना होगा? कमेंट में जवाब देना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अगली खबर के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए धन्यवाद।